ऑल राइट, हेलो रेसलिंग फैंस, मेरा नाम जस्टिन और आप देख रहे हैं रेसलिंग ऑडियंस चैनल। तो आज मंडे नाइट रॉ के अंदर सेथ रॉलिंस एंड एज स्टाइल्स का मैच हुआ था, जो कि मनी इन द बैंक का क्वालिफाइंग मैच था। और इसके अलावा हम सभी को शो से सबसे बड़ी चीज़ जो जानने को मिली है, जो कि है रोमन रेंस एंड रिडल के मैच में स्टिपलेशन, और स्टिपलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, तो आप लोग वो भी जान लेना। और वेमेंस के भी मनी इन द बैंक के क्वालिफाइंग मैचेस देखने को मिले हैं, तो क्या कुछ हुआ है और कैसे पूरे मैचेस सेटअप हुए हैं वो इस वीडियो में बात करेंगे। तो फिर आप सभी का बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपनी इस नई वीडियो को शुरू करते हैं। और यार जो भी चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यहाँ पर आप सभी को ऐसे ही WWE की फास्टेस्ट अपडेट और भी काफ़ी अमेजिंग कंटेंट देखने को मिलता है। तो एक बार चैनल को आप लोग जरूर से चेक करना, तो आप लोग को अच्छा कंटेंट लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से करना यार, क्योंकि सब्सक्राइबर्स की काफ़ी ज़रूरत है हमारे चैनल को। तो सेथ रॉलिंस एंड एज स्टाइल्स का मैच था आज मंडे नाइट रॉ के अंदर, जो कि WWE ने पहले से ही अनाउंस कर दिया था, जो कि एक मनी इन द बैंक का क्वालिफाइंग मैच था। और मैच से पहले हम सभी को सेथ रॉलिंस का एक प्रोमो भी देखने को मिलता है, जहाँ पर रॉयलिस बात करते हैं कोडी रोड्स की, कि कैसे कोडी रोड्स एक वायरस था रेसलमेनिया पे, रेसलमेनिया से मेरे साथ, और वो वायरस मैं मिटा दिया हूँ लास्ट वीक की मंडे नाइट रॉ में, और कोडी रोड्स अब 9 महीनों के बाद भी शायद ना आ पाए, क्योंकि जिस तरीके से मैंने उसे अटैक किया है वो बहुत ही ज़्यादा बेचारा हो चुका है। तो कुछ रॉलिंस ने इंटरव्यू दिया था, और मैच से पहले एज स्टाइल्स भी इंटरव्यू देते हैं, और वो कहते हैं कि भाई रॉलिंस ने लास्ट वीक सही नहीं किया कोडी रोड्स के साथ, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है और मैं रॉलिंस को जाके जाऊंगा मनी इन द बैंक के मैच में, और मैं मनी इन द बैंक को जीतूंगा भी और कैश इन भी करूंगा। तो ये तो मैंने आप सभी को दोनों सुपरस्टार्स के इंटरव्यू बता दिए हैं। और यहाँ पर जब मैच होता है तो रेसलिंग वाइज एक काफ़ी कमाल का मैच था, मतलब आपको टोटली मज़ा आएगा इस मैच को देखने में। और भाई आज दोनों बंदों की आज दोनों बंदों की एंट्रेंस पे पब्लिक ने भर भर के चेयर की है। और ज़्यादा बात नहीं करते मैं एंडिंग की बात करूँ, यहाँ पर हम सभी को सेथ रॉलिंस फाइनली अपना कर्व स्टॉर्म लगाते हुए दिखाई देते हैं, और एज स्टाइल्स को उन्होंने इस मैच में हरा दिया, और रॉलिंस क्वालिफाई कर चुके हैं मनी इन द बैंक के लैडर मैच के लिए। और स्टाइल्स के फैंस के लिए काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है, लेकिन क्या करें यार, रॉलिंस को भी तो पुश देना ज़रूरी है। और हम लोग वुमेंस के क्वालिफाइंग मैच की बात कर लें, जो कि एक टैग टीम मैच के रूप में WWE ने क्वालिफाइंग मैच डाला था, और मैच यहाँ पर था लिम मॉर्गन एंड अलेक्सा ब्लेस वर्सेस डू ड्रॉप एंड हमारी निकी एश के बीच मैच। तो ये भी WWE ने टैग टीम रूप में डाला था, और यहाँ पर कौन होगा विनर आप लोग खुद ही समझ जाओ। और यहाँ पर लिम मॉर्गन एंड हमारी अलेक्सा ब्लेस ने हरा दिया है डू ड्रॉप एंड हमारी निकी एश को, और पब्लिक ये टीम काफ़ी पसंद कर रही है अलेक्सा ब्लेस एंड लिम मॉर्गन की, क्योंकि यार दोनों एक तो क्यूट क्यूट सी, और भाई उनकी पूरा जो अटायर है वो भी सेम लग रहा था, और उनकी मूव्स हाइट सारी चीज़ें परफेक्ट लग रही थी। तो लिम मॉर्गन अलेक्सा ब्लेस और लेसी इवांस आ चुकी हैं वेमेंस के मनी इन द बैंक के लैडर मैच में। वही हम लोग मेंस की बात कर लें तो ड्रू मैकइंटायर और शेमस का नेक्स्ट वीक फिर से मैच होगा, तो यहाँ पर चीज़ें भी काफ़ी बढ़िया होने वाली हैं, जहाँ पर ड्रू मैकइंटायर शेमस में से कोई एक आएगा। और रॉलिंस मेंस के मनी इन द बैंक में क्वालिफाई कर चुके हैं। और आज एक बड़ी चीज़ हम सभी को देखने को मिली है, जो कि है रोमन रेस एंड रिडल के मैच में स्टिपलेशन ऐड होना। और आज मंडे नाइट रॉ के अंदर पॉल हेमन थे मिस टीवी के शो पर, जहां पर रिडल भी उनके सामने थे, और पॉल हेमन कहते हैं कि भाई रिडल मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन तुम रोमन रेस को हरा नहीं पाओगे। और रही बात मनी इन द बैंक की, तो अभी फिलहाल तो भाई सबसे कम चांसेस हैं कि कोई बंदा रोमन रेस पे आके कैश इन करेगा, तो उसका मनी इन द बैंक कैश इन फेल हो जाएगा। वहाँ पर कुछ तो बातें चल रही थी, और पॉल हेमन कहते हैं कि मैं एक स्टिपलेशन ऐड करना चाहता हूँ कि अगर रिडल तुम हारते हो रोमन रेंज से, तो तुम कभी भी चैलेंज नहीं कर पाओगे रोमन रेंज को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। और ये मैच ये स्टिपलेशन ऐड भी हो चुकी है रोमन एंड रिडल के मैच में। तो एक सीन हुआ है, और मैंने आप सभी को सारी मेन चीज़ें बता दी, जो कि आज के मंडे नाइट रॉ में मुझे बताना सही लगी। बाकी आप लोग क्या सोचते हो आज हुई रॉ के बारे में, मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बता देना। तो वेल हमारी जो आज की वीडियो थी वो वहीं तक की थी, अगर पसंद है तो लाइक बिना कहीं मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल कॉन, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। सो वी विल सी माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।